तो दोस्तों रोमर एक्स के रिटर्न आने के बाद बहुत कुछ हो चुका है। रोमर एक्स ने सोलो सिक्वा के ऊपर अटैक किया और उसके बाद सोलो सिक्वा और पूरी ब्लड लाइन ने मिलकर रोमर एक्स को इंजर्ट किया। इन सारे इंसिडेंट्स के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन ने ये फैसला कर लिया कि अब वो फॉक्स में नहीं रहेगा, अब वो वापस से शिफ्ट होगा यूएसए नेटवर्क पे। और नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में सोलो और कॉडी का मैच हो रहा है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए और इस मैच में 100% यही चांस है कि रोमर एक्स रिटर्न आएंगे। इस बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया, अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया तो उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिएगा। लेकिन फैंस ये जानना चाहते हैं कि रोमर एक्स की अपकमिंग स्टोरी लाइन क्या क्या हो सकती है, रोमर एक्स के अपकमिंग सेगमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि रोमर एक्स की अपकमिंग स्टोरी लाइन क्या क्या होने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, मिस करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप लोग एक बहुत बड़ी अपडेट को मिस कर देंगे। तो आइए दोस्तों अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में रोमर एक्स रिटर्न आएंगे और रोमर एक्स सोलो सिक्वा के ऊपर अटैक करेंगे। रोमर एक्स की सबसे पहली अपकमिंग स्टोरी लाइन यही रहने वाली है कि रोमर एक्स ब्लड लाइन के साथ अपने फ्यूड को जारी करेंगे, यानी कि रोमर एक्स और सोलो सिकावा का फ्यूड, जहां पर सोलो सिकावा की तरफ से उनकी छोटी मोटी ब्लड लाइन जरूर आएगी। लेकिन फैंस को यह देखना है कि रोमर एक्स की तरफ से कौन आता है, रोमर एक्स की तरफ से ब्लड लाइन आएगी या फिर रोमर एक्स की मोस्ट डोमिनेटिंग टीम द शील्ड आएगी। रोमर एक्स की ब्लड लाइन को लेकर काफी सारे रूमर्स सामने आ रहे थे कि रोमर एक्स की ब्लड लाइन रोमर एक्स के साथ ही रिटर्न आएगी, लेकिन उसके बाद जे उसोस का एक इंटरव्यू हुआ जिसमें जे उसोस ने यह बताया कि अभी वो टैग टीम डिवीजन में जाने के लिए तैयार नहीं है, अभी वो अपना सिंगल रन ही डब्ल्यूई में आगे बढ़ाएंगे। तो जे उसोस के इंटरव्यू के बाद डब्ल्यूई फैंस को ये लगने लगा कि शायद रोमर एक्स की ओल्ड ब्लड लाइन इतनी जल्दी तो नहीं आने वाली, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रोमर एक्स की ब्लड लाइन उनका बैकअप नहीं बन सकती है। रोमर एक्स की ब्लड लाइन जरूर उनका बैकअप बनेगी। मुझे लगता है कि रोमर एक्स अपनी एक नई ब्लड लाइन क्रिएट करेंगे जिसमें ज़ीला फाटू और टाला टुंगा जैसे जायंट सुपरस्टार होंगे, क्योंकि रोमर एक्स को भी जायंट सुपरस्टार की जरूरत है। सोलो सिक्वा के पास है जेकब फाटू, तो जेकब फाटू के लिए रोमर एक्स को भी चाहिए एक जायंट समोन जो कि जेकब फाटू के सामने खड़ा हो सके। तो मुझे लगता है कि ज़ीला फाटू या फिर टाला टुंगा रोमर एक्स के साथ नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें नजर आ सकते हैं, या फिर रोमर एक्स और सोलो सिक्वा का जब पहला मैच होगा बैड ब्लड में, तब रोमर एक्स का बैकअप बन के ज़ीला फाटू या फिर टाला टुंगा वहां पर आ सकते हैं और उसके बाद रोमर एक्स और ब्लड लाइन की स्टोरी आगे बढ़ेगी। लेकिन फैंस को ये जानने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है कि क्या रोमर एक्स की मोस्ट डोमिनेटिंग टीम द शील्ड भी रिटर्न आ सकती है या नहीं। देखिए द शील्ड के रिटर्न आने की सारी जिम्मेदारी है डीन एम्ब्रोस के ऊपर। डीन एम्ब्रोस अगर डब्ल्यूई में वापस आते हैं तो द शील्ड भी रियूनाइट हो जाएगी, और डीन एम्ब्रोस को डब्ल्यूई में वापस कोई ला सकता है तो सिर्फ एक आदमी है और वो है ट्रिपल एच। ट्रिपल एच अगर डीन एम्ब्रोस को वापस डब्ल्यूई में लेते आए तो द शील्ड रियूनाइट होकर ब्लड लाइन को फेस कर सकती है। तो फिर ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि एक तरफ है रोमर एक्स की टीम द शील्ड और दूसरी तरफ उनकी खुद की फैमिली ब्लड लाइन। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक बनेगा, नहीं तो फिर होगा फैमिली वॉर, वॉर गेम्स, ब्लड लाइन वर्सेज ब्लड लाइन, रोमर एक्स ब्लड लाइन वर्सेज सोलो सिक्वा ब्लड लाइन। रोमर एक्स की ब्लड लाइन सोलो सिक्वा की ब्लड लाइन को डोमिनेट कर देगी और उसके बाद सोलो सिक्वा की ब्लड लाइन में मोस्ट डोमिनेटिंग प्लेयर आएगा और उस प्लेयर का नाम है द रॉक। अभी तक फैंस ये सोच रहे हैं कि सोलो सिक्वा ब्लड लाइन के ट्राइबल चीफ है, लेकिन उसके बाद द रॉक रिटर्न आके ये रिवील करेंगे कि वो असली ट्राइबल चीफ है। द रॉक अपनी मूवी के शूटिंग के लिए काफी बिजी है, इसलिए द रॉक अभी तक ब्लड लाइन के साथ नहीं आए। लेकिन जब रोमर एक्स की टीम सोलो सिक्वा की टीम के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आएगी तब द रॉक गेम चेंज करने के लिए वहां पर जरूर आएंगे और उसके बाद रोमर एक्स और रॉक का फ्यूड चालू होगा और रोमर एक्स और रॉक और रोमर एक्स और ब्लड लाइन का फ्यूड खत्म होगा रेसलमेनिया तक, क्योंकि इस बार तो तय हो चुका है कि रेसलमेनिया में होने वाला है द ओटीसी वर्सेस द फाइनल बॉस रोमर एक्स वर्सेस द रॉक। द रॉक और ब्लड लाइन से अपने फ्यूड को खत्म करने के बाद रोमर एक्स रेसलमेनिया के बाद टाइटल पिक्चर में जाएंगे और कहा तो ये जा रहा है कि रोमर एक्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन सकते हैं, क्योंकि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप तो रोमर एक्स ने काफी बार जीत ली है, लेकिन अब वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल को ऊपर ले जाने का मौका है और रोमर एक्स ड्रॉप भी हो सकते हैं रेसलमेनिया के बाद रॉ में। तो ये सारी रोमर एक्स की अपकमिंग स्टोरी लाइन है। तो आप लोग भी कमेंट जरूर बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि रोमर एक्स आगे क्या करने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में डब्ल्यूबी के नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।